यास्तिकासन ये एक बहुत ही कमाल का आसन है। है बहुत सिंपल, लाइंग डाउन में ये बहुत ही फायदेकारक है। जब आप तालासन खड़े होके करते हैं, आप समझ लीजिए ये लाइंग डाउन तालासन है, लेकिन ये ग्रेविटी के साथ में है, इसके लिए इसके फायदे भी बहुत अलग है। तो पहले हम टेक्निक सीखते हैं और बाद में हम फायदे देखते हैं। आइए अब हम यास्तिकासन की टेक्निक सीखते हैं। पहले पीठ के बल लेट जाइए। लेटना कैसे है, साइड में जाके एक हाथ का सपोर्ट लेके उसके बाद में पीठ को जमीन पे टिकाना है। अब यास्तिकासन की पोजीशन लेंगे, फिट टुगेदर, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, beside your body touching, right, toes inward, inhaling raise your hands and while keeping it on the ground toes totally outward, stretch your toes totally outward, feel the stretch, do not inhale or exhale, hold your breath, stomach inside. Now stretch your palms and toes like somebody is pulling you from hands and legs. Total stretch. Now exhaling, bring back your hands and toes inward. Again, now we are going to do it in a static manner. Toes inward, take one more position, right, inhaling, raise your hands, stomach slightly inside, toes outward, total stretch all over your body, feel that stretch, 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 both the sides, your toes and your hands, hands touching the ground, not hanging, exhaling, bring back your hands and toes inward. Relax in Shavasana. Remember this, when you are doing lying down asanas, aapka pet puri tarah se khali hona chahiye. Aur jab subah utke karte hai, to remember it ki bowels puri tarah se empty honi chahiye. Matlab pet constipation vagaire nahi hona chahiye. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो रात को आप गर्म पानी के साथ में कोई भी त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं ताकि सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं हो और आसन और प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से कर सके। यास्तिकासन देखा आपने कितना सिंपल आसन है, लेकिन इसके फायदे सुनेंगे तो आप ही सरप्राइज हो जाएंगे। एक तो ये हम लाइंग डाउन है तो ग्रेविटी के साथ में है, तो ग्रेविटी का पुल बराबर आपके स्पाइन के साथ रहता है, तो ये आसन आपके स्पाइन को बहुत मजबूत और स्ट्रेट करता है, पोस्चर को सही करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। जब आप पेट को अंदर लेते हैं, मतलब आकुंचन और प्रसरण होता है, तब पेट की स्मॉल इंटेस्टाइन्स लार्ज इंटेस्टाइन तक ये मसल्स को काफ़ी टोन्ड अप कर देता है। काफ मसल्स, योर एंकल्स, योर टोज एंड टू द हेड, टोटल स्ट्रेच टू द बॉडी, तो ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहता है। ये एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेस रिलीवर है, क्योंकि ज़्यादा अकड़न जब बॉडी में होती है तो हमें कोई ज़बरदस्त ऐसे होना चाहिए, कोई पाँव से खींच रहा है, कोई हाथ से खींच रहा है, जैसे स्ट्रेच मिलता है उसका पूरा फायदा आपकी बॉडी को मिलता है। ये आसन सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब भी आप स्ट्रेस हो फिजिकली और मेंटली, तो ये डिस्ट्रेसर का काम आपको बहुत अच्छी तरह से देता है। ज़्यादातर जो लोग कॉर्पोरेट्स ऑफिसेज, मतलब सारा दिन जिनका बैठ के काम है, या स्टूडियो में कैमरामैन्स एक पोजीशन में बैठ के
एक-एक घंटा 15-15 मिनट पूरी बॉडी में अकड़न आ जाती है। कोई भी प्रोफेशन हो जहां पर आपकी बॉडी में एक साइड में बैठ के एक पोस्चर में बैठ के अगर बॉडी अकड़ जाती है तो बॉडी में पेन होना बहुत नेचुरल है और उसकी वजह से बॉडी में थोड़ी सी स्टिफनेस भी आ जाती है और मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए जब भी आप मेंटली और फिजिकली थकते हैं तो आप यास्तिकासन ज़रूर कीजिए और इसका फ़ायदा पूरा उठाइए। इट्स अ सुपर बट वेरी वेरी लाइट आसन। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।